दोस्तों ये है ऑल न्यू टाटा पंच क्रिएटिव मॉडल जो कि सबसे टॉप वाला वेरिएंट आपके सामने। इसमें क्या क्या कुछ चेंज हुआ है इस 2024 में, तो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि हाईलाइट आप सबको पता ही है, सनरूफ दे दिया गया है, ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसा है इस कार का। एक्स शोरूम प्राइस बेस मॉडल से स्टार्ट आता है 6 लाख से, और टॉप वेरियंट आपको 10 लाख प्लस में मिल जाएगा। कुछ की ऐसे मिलेगा जिसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है। ये कलर आपको कैसा लगा? इसमें आपको 4-5 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें रेड, व्हाइट, सिल्वर एंड ये ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है। अगर इस माइक्रो एसयूवी की मैं बात करूँ, तो जिसको एसयूवी पसंद है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पे देखिए टॉप एंड वेरियंट में आपको यहाँ पे DRL देखने के लिए मिल जाता है, कुछ ऐसा क्रोम फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे टाटा का जो लोगो है, पियानो ब्लैक कलर यहाँ पे यूज किया गया है, एंड फ्रंट का लुक्स कुछ ऐसा देख सकते हैं। ग्रिल काफी बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा ताकि आपका इंजन कूल रहे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हेडलाइन जो सेटअप है देखिए, इसमें आपको प्रोजेक्टर में मिलेगा जो कि LED में। यहाँ पे फॉग लैंप्स का सेटअप कुछ ऐसा, ये यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसिंग्स जो DRL है आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलेगा। डे टाइम रनिंग लैंप, ओवरऑल लुक्स काफी ज्यादा खूबसूरत है कार देखने में। फुली SUV, ग्राउंड क्लीयरेंस आपको अच्छा मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी 5 रेटेड कार है, तो आपको कुछ भी चीज में कंप्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो कलर है ड्यूल टोन कलर के साथ आप देखने के लिए मिल रहा है। यह है साइड प्रोफाइल, कुछ ऐसा है साइड से, मैं आपको दूर से दिखा दूंगा। काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जिसको अगर ऊंचा छोटा गाड़ी कहीं में भी एडजस्ट हो जाएगा उसके लिए काफी अच्छा है। पियानो ब्लैक कलर में आपको ORBM विद टर्न इंडिकेटर ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इसमें आपको 16 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाएगा, 16 इंच विद डायमंड कट एलॉयज अपोलो का टायर्स देखने के लिए मिलता है, 95/60 और 16 इंच का जो टायर है। ग्राउंड क्लीयरेंस दे दिया गया है 187 mm का। ओवरऑल मेरे हिसाब से कार में फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ आया है। आप लोग वीडियो में आगे देखिए, यहाँ पे आपको ये वाइपर कुछ ऐसा बिल्ड क्वालिटी में देखने मिलेगा, काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। रेन सेंसिंग जो कि वाइपर, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलेगा। फुल टैंक कैपेसिटी आपका 37 लीटर का होने वाला है, जिसमें आपको बार बार रिफिलिंग का दिक्कत नहीं पड़ेगा। रियर प्रोफाइल की बात करूं तो सबसे पहले ये LED टेल लैंप आप देख सकते हैं आपके सामने, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ है, फुली स्पोर्टी लुक्स के साथ है ये कार। ये है फुली आपका रियर प्रोफाइल, रियर से दिखने में कुछ ऐसा लगता है। सामने से मैं अगर दिखा दूं तो ऊपर सार्फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रूफ रेल्स ब्लैक कलर में ताकि कार का लुक्स और भी स्पोर्टी लगे। हाई स्टॉप टेल लैम्प, डिफोगर वाइपर जैसे फीचर्स मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पे टाटा का लोगो, यहाँ पे कैमरा का सेटअप, पंच जो कि क्रोम के अंदर लिखा हुआ है। रियर की तरफ में दो आपको सेंसर्स यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलता है, तो फुली आपको सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे से भी देख सकते हैं आप, ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा अच्छा है इस कार का। तो बूट ओपन करके बूट स्पेस में दिखा दूंगा, बूट स्पेस रहने वाला है 366 लीटर का, जो कि काफी अच्छा है। आपका काफी ज्यादा लगेज वगैरह आ जाएगा, पार्सल ट्रे, और पीछे से देखने से कुछ ऐसा आएगा इंटीरियर का लुक्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला डिजाइन के साथ, आपको इंटीरियर से भी मैं दिखा दूंगा। चलिए यहाँ पे भी ये देखिए, ग्रैब हैंडल एक दे के रखा हुआ है ताकि आपका बूट खोलने में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा आपको क्लोज करने में भी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे अगर आप कॉल करके K² Motors PVT LTD आप अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर आप अरुणाचल प्रदेश या तो अरुणाचल प्रदेश के सामने से है तो रियर का डोर आप यहाँ से ओपन कर पाएगा। कुछ ऐसा आपको लॉक दे के रखा हुआ है, देखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट है और काफी ज्यादा सुविधा हो जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको मिल जाएगा डोर हैंडल में, डोर हैंडल जो कि बॉडी कलर के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। ओपन करेगा तो कुछ ऐसा है डिजाइन अंदर का। यहाँ पे ऑल ये देखिए, पावर विंडो स्विचेस, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORBM का जो फंक्शंस है, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर की प्लेसिंग एंड यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग दिया हुआ है। इंटीरियर कुछ ऐसा है ड्यूल टोन कलर के साथ। तो ये है सीट, सीट आपको फैब्रिक में पॉकेट टाइप डिजाइन में देखने को मिलेगा। फैब्रिक सीट क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा कंफर्ट देता है। यहाँ पे मैन्युअली आप हाइट एडजस्ट कर पाएगा अपना अकॉर्डिंग, दो आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों में ही, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएगा। तो बैठ के देखते हैं क्या क्या कुछ देखने के लिए मिलते हैं इंटीरियर में और नया क्या चीज आया है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूं तो फुली लेदर रैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में
ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह देखने मिलेगा। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स वगैरह का फीचर्स मिल जाता है, और यहाँ पे टाटा का प्रीमियम जो लोगो है आपको बीच में मिलेगा। वाइपर का सेटिंग, यहाँ पे लाइट का जो सेटिंग है देखने में मिल जाता है। आपको टिल्ट स्टेयरिंग का फीचर्स मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है, तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, इंजन आइडल स्टॉप वगैरह, यहाँ पे लॉक वगैरह का फीचर्स देके रखा हुआ है। तो ये जो वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट मैनुअल में है, यहाँ पे ये देखिए फुली ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी, यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटलेट, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट वगैरह आप यहाँ से एक्सेस कर पाएगा। अगर फीचर्स वाइज बोलू या सेफ्टी वाइज बोलू तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे हेजर्ड लाइट, जो टच स्क्रीन है 7 इंच का आपको देखने मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले जैसे वायरलेस फीचर्स सपोर्ट करता है। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल यूज किया गया है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। ग्लोव बॉक्स काफी बड़ा सा स्पेस के साथ, अंदर आपको ग्लोव लैंप भी देखने के लिए मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। यहाँ पे 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि इंजन स्पेक क्या रहने वाला है आप ऊपर स्क्रीन में एक बार देख लीजिए, क्या टॉर्क निकाल के देगा, क्या मैक्स पावर निकाल के देगा, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिए। और एक चीज मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आप देखिए आर्मरेस्ट, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों में ही आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से कुछ ऐसा एडजस्ट कर पाएगा। ऊपर की तरफ अगर देखेगा तो ये देखिए यहाँ पे मिरर नहीं दिया हुआ है सनराइजर जो है, एंड यहाँ पे आपको मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। ये है मैनुअल IRBM जिसमें आप ऑटोमेटिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। LED जो रीडिंग लैंप्स है ऊपर दे दिया गया है, हेलोजन में नहीं, ये भी मुझे अच्छा लगा। ऊपर की तरफ इस बार सनरूफ दे दिया गया है, जो कि वॉइस कमांड सपोर्ट करता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा टाटा पंच, जो ये 2024 का न्यू टाटा पंच है। मुझे तो पर्सनली कहूंगा तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये है सेमी डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फ्यूल एंड ये टायर प्रेशर मॉनिटर वगैरह यहाँ पे आपको शो करेगा, आपका स्पीड एंड स्पीड वार्निंग वगैरह यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो ओवरऑल सेफ्टी मामला में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है टाटा। विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा क्लियर है, यहाँ पे जो हार्मन का म्यूजिक सिस्टम यूज किया गया है काफी अच्छा है, मैंने पहले भी दिखाया था। ओवरऑल ये था इंटीरियर का। तो गाइस आपको कैसा लगा जरूर बताइए, एक बार रियर सीट को भी एक बार टच करके दिखाऊंगा। सबसे पहले डोर खोलते ही आपको पता चलेगा, ये देखिए 90 एंगल में आपका डोर खोलता है, आगे का भी पीछे का भी, तो आपको अंदर घुसना और बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे लॉक, ट्विटर की प्लेसिंग, स्पीकर की प्लेसिंग एंड यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, ये देखिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इंटीरियर में मुझे एक चीज अच्छा लगा इस सेगमेंट में, फर्स्ट इन सेगमेंट में कहूंगा, ये देखिए आर्मरेस्ट आपको रियर सीट में आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाएगा। दो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेगा। सीट बेल्ट दो जगह दे दिया गया है। मुझे सिर्फ एक चीज कमी लगा इस कार में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। लेगरूम आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लेगरूम है। ये देखिए स्पेस अगर 3 लोग बैठेगा थोड़ा टाइट जरूर हो सकता है, लेकिन 2 लोग में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है ये गाड़ी, अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा रहे हैं। ऊपर ग्रैप हैंडल जो कि अच्छी क्वालिटी का है, कुछ ऐसा लग रहा है जो लुक्स है जो फ्रंट का, पीछे से अगर आप देखेगा तो कुछ ऐसा लगेगा ड्यूल टोन सेट्स के साथ। यहाँ पे ये देखिए एसी बेंच नहीं है, अगर एसी बेंच दे देता तो एकदम A1 हो जाता है। यहाँ पे जो वहां पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड कप होल्डर्स देख सकते हैं आप। कुछ ऐसा था ओवरऑल कहानी इस 2024 का टाटा पंच टॉप मॉडल का। अगर आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस सेगमेंट में आप आग मूंद के जा सकते हैं। तो गाइस यही था ओवरऑल जो रिव्यू मेरा इस कार के ऊपर। पर्सनली आपको कौन सा कलर में, कौन सा वेरिएंट में चाहिए जरूर बताइए मुझे कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो भी कौन सा आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।